फाइनली हम कौन की लगाने लग गए हैं, ये देखो बहुत बड़ा कौन का है भाई, ये हमारा सबसे बड़ा कौन का। और ये यहाँ पे तो पूरा चूहों का बर्बाद कर रखा है, ये देखो। और अमीश तो बहुत भाग रहा है भाई, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम, मैं नीलम राणा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे पहाड़ों की इन हसीन वादियों से, और सुबह की 9 बजे। और अभी हम आ रखे हैं खेत में धान काटने, तो यहाँ पे हमने इतना धान काट दिया है तो हम यहाँ लेट में आए। वो इसलिए आए कि इस वाले खेत में अभी धूप नहीं लगी है, हमने सोचा शायद 9 बजे तक धूप लग जाएगी, लेकिन अभी भी नहीं आई इस वाले खेत में धूप। और ये पूरा अनाज ना एकदम गीला सा हो रखा है, मतलब कल शाम को बारिश भी हुई और उस वजह से ये पूरा धान गीला हो रखा है। ये देखो हमारे पीछे, ये हमारा छोटा सा खेत है, इसकी छोटी सी कनकी लगती है। और ये नीचे बाकी यहाँ रोपाई वाले खेत हैं सारे, ये जो दिख रहे हैं ये मेरे गाँव की हसीन वादियाँ दिख रही हैं जहाँ धूप खिली हुई है गजब वाली। और आज यहाँ ना सुअर भी आ रखा है यहाँ इस वाले खेत में, तो यहाँ धान का पूरा बर्बाद कर रखा है। तो हम तो बस देवता से यही दुआ कर रहे हैं कि हमारा ये वाला कौन का रख दे बस। और अब बाकी तो जो ये रोपाई वाला धान काटेंगे उसकी भी बड़ी दिक्कत होती है। वो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही धान काटते, पहले तो सुअर ने यहाँ पे पहले ही बर्बाद कर रखा है, उसके बाद जैसे ही धान काटते हैं तो सुअर आके ना जो ये कनकी लगाई रहती है उसको नीचे से पूरा उल्टा कर देता है, तो उसकी भी बड़ी बहुत दिक्कत होती है। और आज है 3 तारीख, मीन से 17 गति, तो आज हमारे यहाँ देवता भी बाहर निकाल रहे हैं, जो कि हमारा भूमियाल देवता है नगियाला, तो उसे भी बाहर निकाल रहे हैं। आज उस देवता से दिन लेंगे धान काटने का, तो देखते हैं कब का दिन देते हैं देवता। धान तो पक चुका है, वो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, धान एकदम फर्स्ट क्लास ढंग से पक चुका है। तो देवता किस हिसाब से दिन देता है, देवता तो अपने हिसाब से देंगे, तो देखते हैं कितनी तारीख का दिन देता है, कितने दिन बाद का हमारे धान काटने का दिन आता है, तो ये हम आपको बताते रहेंगे। वैसे ही शायद आज ही बता दूँ मैं आपको इसी वीडियो में, क्योंकि अभी पापा जी वहाँ जा रखे हैं, जो कि हमारा पंचायत चौक होता है वहाँ पर जा रखे हैं। और यहाँ ना जोंक भी लग रही है, जो कि बारिश में होती है ना, देखो धान की कटाई मंडाई तक हो गई, अभी तक भी जोंक लगी रही है। हमारे ये खेत ऐसी जगह पे है जहाँ की धूप नहीं लगती है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा जोंक होती हैं। और हमारा इतना ये खेत काटना बाकी है यहाँ तक, जहाँ तक ये धूप खिली हुई है यहाँ तक, और जोंक हमने फेंक दी है। एक झलक मैं आपको नीचे वाले खेत को भी दिखाती हूँ, मतलब जहाँ पर शुअर ने बर्बाद कर रखा है वो वाले खेत भी दिखाते हो। तो ऐसे में ना धान काटने में बहुत दिक्कत होती है यार, जब शुअर ना ऐसे बर्बाद कर देता है। 2-3 साल से पता क्या बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे शुअर की बीमारी आ गई, वो मर चुके हैं, लेकिन अब फिर से देखो यहाँ बर्बाद करने लग गए हैं शुअर। पहले तो ऐसा होता था जैसे ही धान काटते थे, आज धान काट दिया कल से मंडाई शुरू कर देते थे, नहीं तो तीसरे या चौथे दिन मंडाई होती थी, लेकिन शुअर के डर से दूसरे दिन पहले दिन ही मंडाई कर देते थे, उसी दिन वो काटना था धान और दूसरे दिन मंडाई करने चले जाते थे। अभी तो फिलहाल देखो इतना खेत बाकी है, भाभी जी लगी हुई है काटने पे। तो ये देखो ये है खेत, और यहाँ पे भी कर रखा है, ये हल्का सा दिख रहा है, और यहाँ पे कर रखा है, ये देखो यहाँ पे कर रखा है, ये सुअर का पूरा बर्बाद कर रखा है। ऐसे में ना खेती करके भी क्या करना है, यहाँ पे या यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे बर्बाद हो रखा है पूरा धान का, ये देखो। और हमारे इस वाले खेत में देखो चूहों का भी बर्बाद कर रखा है, यहाँ पे ये चूहों की मिट्टी निकाल के पूरी अगर यहाँ पे भी यहाँ दूसरे तिल के पौधे तक पूरा बर्बाद कर रखा है। अरे ये कुछ अच्छा धान दिख रहा है हमारे यहाँ का, ये देखो।
फाइनली हम कुनकी लगाने लग गए हैं। ये देखो बहुत बड़ा कुनका है भाई, ये हमारा सबसे बड़ा कुनका है। ये देखो खेत भी छोटा ही है ना, इतना सा है खेत भी बस। ये देखो और ये यहाँ पे तो पूरा चूहों का बर्बाद कर रखा है, और बाकी जो कुछ धान था इसी साइड था तो उसका बस इतना ही हुआ। और ये देखो भाभी जब ये अंगूठे लगा रही हैं, और इस साइड से भी पूरे ला चुके हैं अंगूठे हम इस वाली साइड से। यहाँ पे अब हमने घास निकालना है, थोड़ा बहुत तो ये है, लेकिन इसमें बहुत पानी पानी है। तो टाइम भी हो चुका है, 10 बज चुकी हैं, और 10 बजे तक हमने ये खेत कंप्लीट कर दिया। बस इस पर इतनी सी छोटी सी कुनकी लगी है, तो इसे तो हम निपटा देंगे। और अभी शायद अभी देवता भी बाहर नहीं निकाले, शायद औजी नहीं आए हैं ढोल वाले, और इसके लिए भाभी घाघरा बना रही है ऊपर में डालने के लिए। और लोग भी अपने खेतों में जा रहे हैं, यहाँ न्यू सड़क में लगे पड़े हैं इधर उधर जाने पर। और हम भी अब घास निकालते हैं, इसके बाद घर चलते हैं। घर जाने के बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं। सोच तो रही हूँ सिलाई करूँगी, अगर मूड होगा तो सिलाई करूँगी। और आज से तो दिन का स्कूल भी लग चुका है, और आरोही स्कूल जा रखी है, तो आरोही की छुट्टी भी 12-1 बजे तक होगी आज, वरना वो 11 बजे तक आ जाती थी, 11:30 बजे तक आ जाती थी, लेकिन आज से 12 या 12:30 बजे तक आ जाएगी वो। तो दिन के स्कूल भी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ ऐसा करके इसके ऊपर में डालते हैं, इसको हमारे लैंग्वेज में घाघरी बोलते हैं, कुनके की घाघरी। अगर सुअर मामा रख देगा तो कर देगा बर्बाद, तो खुद ही हुआ फिर। इतनी सी कुनकी लगी है हमारी यहाँ पे। चलो दोस्तों अब पहले हम घास निकाल देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा, या तो घर पे मिलेंगे या फिर यहाँ रास्ते में मिलते हैं। तो चलो पहले घास का काम जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। तो गाइस फाइनली घास भी निकाल दिया है, और अब चलते हैं घर की ओर। यहाँ पे एक सोल्टी यहाँ पे है, एक सोल्टी वहाँ पे है, और अब हम सीधा चलेंगे घर। हाँ डूंगू ना, हमने उसमें पत्थर भी नहीं रखा, तो पत्थर को गड्डवाली में ढूंगा कहते हैं। तो मैं भाभी कह रही है वहाँ पे ढूंगा नहीं है क्या, क्योंकि कनके में रखते हैं ना, तो हमने इसमें नहीं रखा क्योंकि हमें मिला ही नहीं। तो ये देखो ये घास की सोल्टी एक वहाँ पे है, भाभी शायद पत्थर ढूंढ रही है उसमें रखने के लिए, वो तो मारने के लिए अच्छा होता है। तो चलो अब सीधा रास्ते में मिलते हैं आपसे, अभी यहाँ से चलते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 12:30, और मैं आ रखी हूँ आरोही के स्कूल में। खेत से हम 10:30 बजे तक आ चुके थे, और फिर उसके बाद घर में बैठे रहे, और अभी मैं आरोही को लेने आ रखी हूँ। तो टाइम का पता नहीं था, 1 बजे छुट्टी होनी थी, और मैं 12:30 बजे ही आ गई हूँ। मैं अभी सड़क में खड़ी हो रखी हूँ स्कूल के पीछे। ये देखो ये स्कूल है, यहाँ से स्कूल का गेट है, अंदर जाना है। अभी बच्चे दूध पी रहे हैं, तो मैं अभी बाहर में ही खड़ी हूँ, तो उसके बाद जाऊँगी मैं अंदर, तो अपने यहाँ के सारे बच्चों को लेके जाऊँगी, क्योंकि आजकल सांप वगैरह की बहुत डर रहती है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। मैं कहा जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो फिर वो अकेले घर आ जाएंगे, तो इसलिए आज मैं यहाँ रखी हूँ। ये कुछ मेरे गाँव का व्यू दिख रहा है, ये देखो मस्त वाला। यहाँ पे देवता निकाल रखे थे बाहर, अभी देवता मंदिर में जा चुके हैं, तो मंदिर है यहाँ ऊपर, तो देवता जा चुके हैं। अब इसके बाद देवता मंदिर में पूजा वगैरह होगी, उसके बाद पूजा वगैरह होने के बाद ही देवता दिन देगा धान कटाई का, तो तब बताऊंगी मैं आप लोगों को कि कब का दिन दिया है देवता ने। तो
तो चलो आप थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपको उससे। तो फाइनली मैं इनको स्कूल से ला चुकी हूँ। ये देखो यहाँ चल रहे हैं, हाथ ना पकड़िया, हाथ ना पकड़िया। ये देखो ओ अमीश तो बहुत भाग रहा है भाई। चल बारूदा, चल बारूदा, चल बारूदा। तो फाइनली आरो को स्कूल से ला चुकी हूँ और आज से हमें 12:30 बजे जाना है इनको स्कूल से घर लेके आने के लिए। और आज मैं 12 बजे तक चली गई थी तो उसके बाद मुझे वहाँ रोड में वेट करना पड़ा इनका। और फिर मैंने पूछा उनको आरो की मैडम से कि कब तक ये करना है, तो फिर उन्होंने बताया कि 12:30 बजे तक होगी इनकी छुट्टी, तो वैसे आना आप लोग। तो 12:30 बजे जाना है और अभी धूप तो भयंकर वाली हो रही है, इसीलिए ज़्यादा जाते हैं हम इनको लेने की, धूप ज़्यादा हो रही है ना तो इसलिए। तो चलो आप थोड़ी देर में मिलते हैं हम आपसे। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 7:00 और यहाँ पे आरोही बैठ रखी है और आरोही खा रही है खाना। मैंने तो निपटा दिया है, मतलब हमने बासी चावल खाए जो दिन के राइस था वो खाया है। और अभी देख सकते हो आप आरोही तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी मम्मी यहाँ पे है, भाभी जी खाना बना रही है और पापा जी हैं बगल वाले रूम में जहाँ पे कि रोज ही रहते हैं, टीवी देख रहे हैं। और हम लोग अभी किचन में हैं और आरोही और मेरे को भूख लग गई थी तो इसलिए हम यहाँ आए और हमने खाना खा लिया। और ये थोड़ा सा चावल बचे हुए तो इनको मैं ढक दे रही हूँ क्योंकि अगर भाभी वगैरह खाएंगे तो जाइए। देखो आरोही यहाँ से पोज दे रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा देवता आज दिन देगा, तो देवता ने दिया है धान कटाई का दिन 13 तारीख का 27 गति और 13 तारीख, तो आज है 3 तारीख। आपकी जानकारी के लिए बता देते हो आज 3 तारीख और 17 गति है और 27 गति का दिन दिया है, मतलब पूरे 10-11 दिन का गए हुए अभी तक। तब तक तो हम और काम भी निपटा देंगे, जैसे कि हमारी दाल वगैरह रहती है कूटने के लिए खेत से लाने के लिए, तो वो काम भी निपटा देंगे हम तब तक। और यहाँ पे पापा जी लेके आए हैं आरोही के लिए मक्का, ये देखो पहाड़ी मक्का। और यहाँ पे क्या है, एक कद्दू भी है, हमारा खेत का कद्दू के खेत में लगे रहते हैं। अधीन में भी हमने कद्दू की सब्जी बनाई थी और अभी भी देखो घर में कद्दू ही पड़ा हुआ है। तो पहाड़ों में आजकल सब्जियों की कमी नहीं होती, कद्दू ये घर की राजमा वगैरह बहुत सारे मीठे वाले करेले, तो बहुत सारे चीज़ें रहती है जैसे तोरी, ये सब साग आजकल पहाड़ों में ही हो जाता है, मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ ऐसी होती है पहाड़ियों की लाइफ। एंड चलो गाइस फिर इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना और बाय 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 करो आरू, बाय, लाइक कमेंट बोल दो, लाइक कमेंट, लाइक कमेंट कर दो, बाय बाय, गुड नाइट, बाय दोस्तों, ख्याल रखिए अपना भी और अपने परिवारों का। और आशुष के मैंने खूब काम करी अपने घर में, वैसे तो जो पहाड़ी होंगे वो तो कर ही रहे होंगे यार, बोलने की जरूरत नहीं है। आरोही को देखा हाथ धुलने चली गई है, खाना तो वैसे ही छोड़ दिया, खाना खाने उसने बस मेरे को देखा, मेरे ही जैसे नखरे करने होते हैं कि मुझे भी खाना है, मतलब मैं नखरे नहीं करती, मैं तो खाती हूँ लेकिन उसे करने होते हैं नखरे कि मुझे भी खाना है। बाहर में देखो यहाँ पे हाथ धो रही है। तो चलो फिर इस ब्लॉग को रखते हैं, आप मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय जय गढ़वाल, जय देव भूमि उत्तराखंड, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्योंकि मॉर्निंग को वीडियो आएगी तो इसलिए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट इसलिए क्योंकि नाइट को मैं एंडिंग कर रही हूँ। और ये देखो ये भी खुश होकर कह रही है हो गया बल, तो बाय दोस्तों।